हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज यूट्यूब चैनल। इन दिस क्लास आई एम गोइंग टू प्रोग्रेस अ वेरी इंपॉर्टेंट पोएम एंड द पोएम नेम इज़ एलेक्जेंडर्स फीस्ट विच इज़ रिटन बाय द ग्रेट पोएट जॉन ड्राइडन। स्टूडेंट, दिस इज द सेवन स्टेंजा ऑफ द पोएम विच आई एक्सप्लेन इन दिस वीडियो क्लास एंड द पावर ऑफ म्यूजिक द सब टाइटल ऑफ द एलेक्जेंडर्स फीस्ट। आप ऑलरेडी इस पे छः वीडियो देख चुके हैं, छः स्टेंजेस के मैं उन वीडियो में कवर कर चुकी हूँ। आपको आइडिया लग गया कि पोएम में क्या चल रहा है। इस पोएम में जो है आपको पावर ऑफ म्यूज़िक दिखाया गया है। एलेक्जेंडर फीस्ट पोएम में पावर ऑफ म्यूज़िक दिखाया गया है। एलेक्जेंडर फीस्ट जो है आपको पता है, एलेक्जेंडर फीस्ट नाम से ही पता चल रहा है दैट एलेक्जेंडर ने कोई दावत रखी थी। और क्यों रखी थी वो दावत? क्योंकि वो अभी अभी पर्शियन पे वॉन करके आए हैं, किंग डेरियस को हरा कर आए हैं और उन्होंने दावत रखी। तो उस दावत में टिमोथियस नाम का एक बार्ड, एक म्यूजिशियन आया है और वो अपने गाने से जो है इनके मूड को स्विंग कर रहा है। इतना उसके गाने में पावर है म्यूज़िक में कि इनका म्यूज़िक जो है वो बार बार चेंज हो रहा है, जो मूड है इनका चेंज हो रहा है किसे, म्यूज़िक से। तो फर्स्ट स्टेंजा में बताया गया कि जो एलेक्जेंडर है उनका फिज़िकल जो है अपेरेंस कैसा है, उनका ड्रेसिंग सेंस कैसा है। वो बहुत ब्रेव है, वो फिलिप के वॉर्डेक सन है। और उसके बाद उनकी जो बिलव्ड है उनके बारे में बताया गया कि वो बहुत ही ब्यूटीफुल लेडी है, वो किसी ईस्टर्न की ब्राइड की तरह लग रही है और वो उनके बिल्कुल पास में बैठी हुई थी। सेकंड स्टेंजा में बताया गया कि जो जोव है, जो कि एक देवता है, उनसे जो एलेक्जेंडर है वो पैदा हुए हैं, क्योंकि जो जोव हैं वो इनकी माँ ओलंपिया को देख के अट्रैक्ट हो गए थे और वो अपनी ब्लिसफुल सीट, मतलब ऊपर जो स्वर्ग में जो सीट थी उसको छोड़कर ड्रैगन का रूप धारण करके नीचे आए और जो है पृथ्वी पे आने के बाद उन्होंने, इनकी जो मदर है ओलंपिया, उनसे फिज़िकल रिलेशन बनाए और उसके बाद जो एलेक्जेंडर है वो पैदा हुए। और इसलिए माना जाता है कि ये एक जो है भगवान के बेटे माने जाते हैं। तो ये सब सुन के, एक म्यूज़िक में गाना ही तो गा रहा है टिमोथियस, तो ये सब सुन के ये खुद को एज अ गॉड अज्यूम करने लग गए और जो प्रजा बैठी है वो भी अपलोड करने लग गई। उसके बाद जो है बेकस के बारे में बताया गया। बेकस एक वाइन का देवता है, कि बेकस जो है वो पर्पल कलर की ड्रेस पहने हुए है, वाइन में बहुत पावर होता है। वो वाइन जो है वो ट्रेजर है, जो लोग सोल्जर्स होते हैं उनके लिए ट्रेजर है। और वाइन जो है वो बहुत ही, मतलब आप बोल सकते हैं कि जोली, वाइन के जो देवता हैं बिल्कुल जॉली हैं बेकस जो है, उनके बारे में बताया गया। उसके बाद में किंग डेरियस का जो लास्ट सिचुएशन थी उसके बारे में बताया गया कि किंग डेरियस इतने महान देवता थे, इनमें पिटी और फियर पैदा करने के लिए, एलेक्जेंडर में इतने महान देवता थे, फिर भी उनकी डेथ जब हुई तो उनके पास कोई नहीं था उनकी लास्ट में आंखें बंद करने वाला। तो इंसान चाहे कितना भी बड़ा हो पर अगर उसका भाग्य उसके साथ नहीं है तो वो अंतिम समय में उसके साथ कोई नहीं रहता, सब कुछ तहस नहस हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। उसके बाद उन्होंने बोला कि नेक्स्ट वो लव फील करवा रहे हैं एलेक्जेंडर को, कि जो युद्ध आप जितना लड़ोगे उतनी आपकी प्यास बढ़ती जाएगी, आप एक चीज़ जीत लोगे तो आपको मन करेगा दूसरी चीज़ के लिए जीता जाए। ये सब बेकार की बातें हैं, ये सिर्फ मोह माया है। अगर आपको कुछ करना है ज़िंदगी में, अगर आप आए हो तो आप प्यार करो, और आपको दूसरी जगह जाने की ज़रूरत क्या है, आपके पास में आपकी बिलव बैठी हुई है, थाइस बैठी हुई है, उससे प्यार करो। तो ये बिल्कुल प्यार के नशे में आ गए अब, और ये अपनी बिलव को देखने लग गए, उसको घूर घूर कर देखने लग गए, उसके ब्रेस्ट पर गिर गए, आँखें भरने लग गए। तो अब टिमोथियस को लगा कि नहीं, ये तो बिल्कुल प्यार में डूब गए, एक राजा को ये शोभा नहीं देगा। फिर वो अपनी जो लायर है, अपनी जो वीणा है, उसकी धुन चेंज कर रहे हैं और वो इनको प्रोवोक कर रहे हैं युद्ध लड़ने के लिए। तो इन्होंने वन बाय वन सारे युद्ध इनको याद दिलाए और कहा कि जो तुम्हारे जो सोल्जर्स थे, तुम्हारी प्रजा में जो सोल्जर्स थे तुम्हारे साइड के, वो मारे गए थे किंग डेरियस से जब तुमने युद्ध लड़ा। तो वो सारे जो हैं, जो मारे गए स्लेन थे तुम्हारे सोल्जर्स थे, वो कह रहे हैं कि बदला लो, रिवेंज लो। तो इनको कह रहे हैं कि तुम रिवेंज लो उन सब का मारे जाने का, तुम उठो जागो और पर्शियन में आग लगा दो, रिवेंज लो, है ना, जो तुम्हारे सैनिक मारे गए हैं उनका बदला लो, वो सब तुम्हारा साथ देंगे। ऐसा वो जो है भूत के रूप में, घोस्टली वो क्या है, तुम्हारे साथ में है। उसके बाद में जो थाइज है वो इनकी हेल्प कर रही है ये सब करवाने में, कि थाइज रास्ता दिखा रही है, बिल्कुल एकदम प्रोवोक हो गए हैं, एंथुजियास्ट में आ गए हैं कि हाँ भाई मुझे लड़ना है। फिर थाइज ने रास्ता दिखाया, और जब थाइज रास्ता दिखा रही है उनको, तो ऐसा लग रहा है कि वो एज ए हेलन लग रही है। हेलन जो है वो ट्रोजन वॉर हुआ था, 7 साल तक जो चला था, तो ट्रॉय की सबसे बड़ी हीरोइन मानी जाती है, जिसकी वजह से साथ, तो उसके जितना करेजियस जो है बताया जा रहा है थाइस को, कि थाइस जो है वो रास्ता दिखा रही है अपने लवर को कि जाओ एलेक्जेंडर और आग लगा दो पर्शियन में जाके।
सो यहाँ तक हमने पूरी देख लिया कि पावर ऑफ म्यूज़िक कैसे कैसे काम किया, कैसे कैसे मूड स्विंग हुए एलेक्जेंडर के. अब पोएम एंड होती है इस लास्ट सेवन स्टेंज में. पोएम की एंडिंग में टिमोथियस, और मैंने एक सबटाइटल और बताया था इस पोएम का, ऑनर ऑफ ऑनर इन सेंट सेसिलियाज डे. तो सेंट सेसिलिया जो कि इन्वेंटर है म्यूजिकल वोकल फ्रेम की, उनके और टिमोथियस के बारे में कंपैरिजन दिखाया गया है कि ये कितना कैसे गाना गाते हैं. तो आप टेक्स्ट में देखें, हम देखते हैं कंपैरिजन, कैसा कंपैरिजन किया गया है. दस लॉन्ग एगो, कुछ साल पहले, ईयर हैविंग बिलोज लर्न टू ब्लो. कुछ साल पहले कुछ ऐसा सीखा गया, ईयर हैविंग बिलोज बजाया गया, बिलो बुझाया गया, लर्न टू ब्लो सीखने के लिए. वाइल ऑर्गन्स येट वर म्यूट, जब कोई ऑर्गन का किसी को दुनिया में पता ही नहीं था, तब कुछ साल पहले टिमोथियस ने बांसुरी में जो है सांस डाल के उसको बजाया. और क्या किया देखो, टिमोथियस टू हिज ब्रीदिंग फ्लूट. ब्रीदिंग फ्लूट मतलब फ्लूट होती है बांसुरी. ब्रीद, ब्रीद से ही बजाई जाती है, सांस से. जितना आप उसमें सांस फूकोगे उतनी वो बजेगी. तो वो कब, जब इस दुनिया में ऑर्गन्स म्यूट थे, किसी को पता ही नहीं था ऑर्गन्स के बारे में, तब जो है टिमोथियस ने म्यूज़िक कंपोज किया था. एंड साउंडिंग लायर, और वीणा बजाया, साउंडिंग लायर, लायर से साउंड निकाला था, जब इस दुनिया में किसी को म्यूज़िक के बारे में पता ही नहीं था. ठीक है, देखो, वाइल ऑर्गन्स येट वर म्यूट, जब ऑर्गन्स म्यूट थे, टिमोथियस टू हिज ब्रीदिंग फ्लूट एंड साउंडिंग लेयर कुड स्वेल द सोल टू रेज टू किंडल सॉफ्ट डिज़ायर. तब उन्होंने लोगों को जगाया था अपनी वीणा और जो है अपनी फ्लूट बजा के. कुड स्वेल द सोल टू रेज, कुछ आत्माओं को जगाया था जो कि एक बोल सकते हैं मूर्छित पड़ी हुई थी. तो भाई एलेक्जेंडर को भी उन्होंने अपने म्यूज़िक के पावर से ही तो उसके मूड स्विंग किए हैं. तो इतना उनके म्यूज़िक में पावर था कि वो लोगों के मूड जो है स्विंग कर सकते थे, प्रोवोक कर सकते थे. कुड स्वेल द साउंड टू रेज टू किंडल सॉफ्ट डिज़ायर, उन्होंने सॉफ्ट डिज़ायर को जलाया है. टू किंडल सॉफ्ट डिज़ायर मतलब लोगों में अपने म्यूज़िक का असर दिखाया है. एट लास्ट डिवाइन सेसिलिया के, उसके बाद में लास्ट में कौन आई, डिवाइन सेसिलिया. सेसिलिया देवी है, जिसने डिवाइन मतलब देवी है सेसिलिया, रिस्पेक्ट दी गई है सेसिलिया को, जो कि वोकल फ्रेम की इन्वेंटर मानी जाती है. एट लास्ट डिवाइन सेसिलिया केम, उसके बाद सेसिलिया आई धरती पे. इन्वेंटर्स ऑफ द वोकल फ्रेम, जो कि इन्वेंटर्स है वोकल फ्रेम की, एक वोकल फ्रेम जो एक टाइप ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है. द स्वीट एंथुजियास्ट फ्रॉम हर स्केर्ड स्टोर, उसने अपने जो है वोकल फ्रेम से एक स्वीट एंथुजियास्टिक जो है गाना गाया. एनलार्ज द फॉर्मर नैरो बाउंड्स एंड एडेड लेंथ टू सोलमन साउंड, गंभीर, सोलमन मींस गंभीर गाना जो है, साउंड जो है अपने वोकल फ्रेम से निकाला है. विद नेचर्स मदर विट एंड आर्ट्स अननोन बिफोर, क्यों, और ये भी सेसिलिया ने कब किया था, जब नेचर को, नेचर्स मदर विट एंड आर्ट्स अननोन बिफोर, यहाँ पे लोगों को आर्ट का पता ही नहीं था, कला का पता ही नहीं था, उससे पहले उन्होंने जो वोकल फ्रेम का इन्वेंटर किया था. विद नेचर्स मदर विट, नेचर जो है नेचर की मदर विट, आर्ट अननोन जो है वो बिल्कुल क्या थी, लोगों को पता ही नहीं था आर्ट के बारे में. लेट ओल्ड टिमोथियस सील्ड द प्राइज, कि हाँ जो टिमोथियस है उसको प्राइज दो. लेट ओल्ड टिमोथियस यील्ड द प्राइज और बोथ डिवाइड द क्राउन, और ये दोनों अपना क्राउन डिवाइड कर लेंगे. लेट ओल्ड टिमोथियस यील्ड द प्राइज, जो टिमोथियस है उसको प्राइज दो और बोथ डिवाइड द क्राउन. तो सेंट सेसिलिया और टिमोथियस दोनों अपना क्राउन जो है डिवाइड कर लेंगे. ही रेज्ड अ मॉर्टल टू द स्काइज, जो टिमोथियस है, ही मतलब टिमोथियस रेज्ड, जिसने रेज किया है, अ मॉर्टल टू द स्काइज, मतलब उसके गाने स्काइज तक, स्काई को, आसमान को भी छू लिया, इतने अच्छे मॉर्टल गाने उसने गाए. शी ड्रूज एन एंजल डाउन, और सेसिलिया ने ऐसा लग रहा है कि एक जो एंजल है वो धरती पे भेज दिया. तो ये आपकी पोएम जो है अलेक्जेंडर स्पीच एंड हो गई है. आई होप आपको ये पोएम अच्छे से क्लियर हो गई. लास्ट स्टेंजा में टिमोथियस और सेंट सेसिलिया के बारे में बताया गया है कि जब इस धरती पे आर्ट अननोन था, जब कुछ चला ही नहीं था, तब जो है सेंट सेसिलिया और टिमोथियस ने जैसे अपनी बांसुरी और अपनी वीणा में जान ला दी और लोगों को प्रोवोक किया, लोगों की आत्माओं को जगाया. ठीक है, वैसे ही जो है अलेक्जेंडर फीस में म्यूज़िक ऑफ पावर दिखाया गया है. थैंक यू.